हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है इस नए वीडियो में। इसमें बात करने वाले हैं पंजाब पुलिस भर्ती 2021 के बारे में। जी दोस्तों, पंजाब पुलिस में जो है पुलिस जेल वार्डर और मेट्रोन के पदों पर जो है 847 पदों पर जो है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये वैकेंसी फ्रेंड्स जो है पुलिस विभाग की है, जो पंजाब की है। इसमें जो है 12वीं पास बोला गया है और इसमें कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है एक फॉर्म फिल करके बताऊंगा, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। पूरी गाइडलाइंस बताऊंगा, नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करनी है, लास्ट डेट क्या है, एज क्या होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, कितना दौड़ होता है, और साथ ही साथ फॉर्म फिल करके भी दिखाऊंगा कैसे आपको फॉर्म को भी फिल करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइए, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप जो इस वेबसाइट पर जाएंगे dshelpingforever.com। अब यहाँ पे आने के बाद से आपको देखिए यहाँ पे जो मैंने शॉर्ट नोटिफिकेशन ओवरऑल जानकारी यहाँ पे दे दिया है। टोटल जो पोस्ट यहाँ पे 847 है और ऑनलाइन जो स्टार्ट है और इन डेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा 31 मई के पहले आपको फॉर्म को फिल कर लेनी है। एज लिमिट 18 से 25 होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। यहाँ पे जनरल के लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन फी बोला गया है, SC ST BC के लिए 250 रुपये, एक्स सर्विसमैन कोई है तो 200 रुपये आपको एप्लीकेशन फी जमा करना होगा। और भी जानकारी यहाँ पे सैलरी वगैरह के बारे में हमने यहाँ पे दे रखा है, सिलेक्शन प्रोसेस भी दे रखा है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब आपको अप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ पे दो लिंक मिलेगा आपको, अप्लाई ऑनलाइन का एक लिंक मिलेगा, अगर आपने पहले से आवेदन किया हुआ है फी पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ पे लॉगिन का भी ऑप्शन आपको मिलेगा। नोटिफिकेशन भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके 10 पेज का जो फुल नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगा। मैं आपको बताया था नोटिफिकेशन के बारे में, थोड़ा सा शॉर्ट नोटिफिकेशन ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद हम बताएंगे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल करना है, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो देखिए यहाँ पे बोला कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की आपको जो है 10+2 आपको पास होनी चाहिए, और जो है पंजाबी अप टू मैट्रिकुलेशन, पंजाबी लैंग्वेज में जो है आपको मैट्रिक तक कम से कम पढ़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 10+2 बोला गया, 12वीं पास बोला गया, किसी भी स्ट्रीम से कितना भी परसेंटेज पास से आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जो हाइट बोली गई है 5 फीट 7 इंच यहाँ पे जो हाइट बोली गई है, और यहाँ पे अगर आप डोगराज या गोरखास से आते हैं तो 5 फीट 4.5 इंच अगर आपकी हाइट है तो आवेदन कर सकते हैं। चेस्ट के बारे में बोला गया है और आई का विजन जो होना चाहिए वो यहाँ पे बोला गया है। और उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जो होगा यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, यहाँ पे देखिए 100 मीटर की रनिंग होती है 15 सेकेंड में, ठीक है ना, एक ही चांस आपको मिलता है। उसके बाद से सूटपुट करना होता है 7.26 kg का, यहाँ पे 16 पाउंड का लगभग जो यहाँ पे होता है, जो कि 5.50 मीटर यहाँ पे आपको करना होता है। तो ये चीज आपको जो है सूटपुट करना है। उसके बाद से रोप क्लेमिंग, मतलब जो है रस्सी पे आपको क्लेमिंग करनी है 15 फीट तक, इसमें आपको 3 चांस मिलते हैं। उसी तरह से एक्स सर्विस मैन की यहाँ पे देखिए हाइट कितनी दौड़ चाहिए यहाँ पे बोली गई है। उसके बाद यहाँ पे जो है जो फीमेल है उनके लिए यहाँ पे बोला गया, फीमेल के यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे कि आप उस हाइट में उस रेंज में आते हैं तो ही आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। अब आवेदन करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो अप्लाई लिंक मिलेगा, जो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आपको यहाँ पे अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको देखिए सब ऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पंजाब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वार्डर एंड मेट्रोन, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए पढ़ लेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन का और लॉगिन का, तो आप यहाँ पे सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। अब आपको क्या करना है, अपने यहाँ पे पूरा नाम लिखना है, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट है उसके अनुसार फादर नेम लिखेंगे, अपना जो है कॉन्टेक्ट नंबर एक मोबाइल नंबर लिख देंगे, ईमेल आईडी यहाँ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो बोला गया है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन हो गया है, आपका जो है लॉगिन डिटेल्स जो है आपके ईमेल आईडी पे भेजा गया है। तो जो आप ईमेल आईडी देंगे उस ईमेल आईडी को आप चेक कर लेंगे, उस पे जो आपको पासवर्ड भेजा जाता है और लॉगिन आईडी के सारे डिटेल्स भेजा जाता है। अब यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, इस एप्लीकेशन नंबर को आप नोट भी कर लेंगे, ठीक है ना। बाय द वे मोबाइल पे SMS ना है तो मोबाइल पे SMS तो जरूर आता है, लेकिन अगर नहीं है तो उस केस में आप यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर नोट कर लेंगे। अब आपको यहाँ पे प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका जानकारी आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोसेस टू ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आपको जो है बारी बारी से फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पे जेंडर चूज करें, समझ लिया, मेल चूज करते हैं। मेल चूज करेंगे तो यहाँ पे देखिए वार्डर आएगा, अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मेट्रोन आ जाएगा। तो ये आपको नहीं चूज करनी है, केवल अपना जेंडर चूज करेंगे तो यहाँ पे पोस्ट आपको ऑटोमेटिक बदल जाएगा। अपना मदर्स नेम लिखेंगे, आप मैरिड हैं कि सिंगल है यहाँ चूज कर लेंगे। आपका निवास कहाँ है, डोमिसाइल, पंजाब के रहने वाले हैं तो यहाँ पंजाब चूज करेंगे। अगर आप अदर हैं तो यहाँ पे अदर चूज करेंगे, तो अदर यहाँ पे जैसे
झारखंड है, बिहार है, कहाँ के हैं, यूपी के हैं, आप यहाँ पे क्या करेंगे, फिल कर लेंगे। कैटेगरी यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन आएगा, आप जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, या बीसी है, या एससी है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पोर्ट पर्सन के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है। तो आप जो भी है फ्रेंड्स यहाँ पे अपना जो है कैटेगरी को चूज कर लेंगे। नेशनलिटी यहाँ पे ऑलरेडी है, उसमें से पूछ रहा है कि क्या आप जो है एज रिलैक्सेशन चाहिए, आयु में छूट चाहिए, तो यहाँ पे इसको टिक करेंगे तो ये देखिए आ जाएगा इस तरह से। नहीं चाहिए तो आप इसे अनटिक रहने देंगे, ठीक है ना। तो किसको किसको आयु में छूट मिलेगी यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा है, देख रहा है। तो आप यहाँ पे इस तरह से जो है आयु में छूट ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ दिखाएगा, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दिखाएगा, अपना मोबाइल नंबर यहाँ अल्टरनेटिव देना चाहते दे सकते हैं, तो छोड़ दीजिएगा। आईडी प्रूफ आपको एक चूज करना है, आधार कार्ड या एनी अदर, या ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इसमें से जो भी आप यहाँ चूज करेंगे और उस आईडी नंबर को यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद से यहाँ पे प्रोसेस टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब जिसे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब आपसे यहाँ पे कुछ और जानकारी पूछेगी, जैसे जो कोर्ट केसेस वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, क्रिमिनल केसेस आपके पास कोई रजिस्टर है, अगर है तो यस करें, था नो करेंगे, ठीक है ना। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे यस नो जवाब देंगे, यहाँ पे भी नो होगा, ये बोल रहा है कि कोई आपको जो है कोर्ट के द्वारा क्रिमिनल कन्विक्टेड किया गया है तो आपको नो कर देनी है। आप जो है वर्किंग गवर्नमेंट इंप्लॉई है तो आप यहाँ से यस करेंगे तो ये जानकारी यहाँ पे सारी जानकारी भरनी होगी, नहीं है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली नो चूज करेंगे, तो देखिए सब चीज यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा। तो अगर आप वर्किंग इंप्लॉई है तो आप जरूर भरे, आपको जरूर छूट मिलेगा। आपको यहाँ पे प्रोसेस टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस भरना है, जैसे आपका विलेज का है तो जो भी आपका विलेज है यहाँ पे अपना जो है फिल कर देंगे, ठीक है ना। तो आप अपना विलेज पूरी जानकारी यहाँ पे फिल करेंगे, हाउस नंबर सब चीज, उसको से अपना राज्य बताएंगे किस राज्य से आप आते हैं, ठीक है। तो अपना राज्य चूज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको बतानी है आपका डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, अपना पिन कोड यहाँ लिखेंगे, जो भी आपका पिन कोड है यहाँ पे फ्रेंड्स अपना जो पिन कोड फिल करेंगे। अगर दोनों सेम है, मतलब यहाँ पे परमानेंट एड्रेस कोरोनेशन एड्रेस, तो इसको टिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सेम जो यहाँ पे आ जाएगा। तो हम इसको टिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सेम हो गया। अब आपको यहाँ पे प्रोसेस नेक्स्ट क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आपको जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करनी है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे येलो वाला बटन दिख रहा है ऐड न्यू क्वालिफिकेशन, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन ऐड करने का ऑप्शन आएगा, तो आप जो है बारी बारी से करके ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 10वीं का ऐड करेंगे क्वालिफिकेशन, यहाँ पे पासिंग ईयर बता देंगे कब आपने पास किया, बोर्ड का नाम लिख देना है जो भी आपका बोर्ड है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है कितना मार्क्स मिला है, ठीक है ना, मार्क्स ऑब्टेंड मतलब आपको कितना मिला है, कितना में ये टोटल मार्क्स 500 का होता है और यहाँ पे हमें इतना मिला है, तो इस तरह से भरेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। आपको रेगुलर यहाँ चूज करना है प्राइवेट चूज करेंगे, डिस्टेंस है डिस्टेंस चूज करेंगे। अब इसको सेव करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे जो है एड हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप चाहे तो इसे डिलीट कर सकते हैं, आप चाहे तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एड न्यू एक और करना है, अब यहाँ पे 12 डिटेल्स इसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसको भी चूज करके सेव करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो है 10वीं और 12वीं डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर लिया, आप चाहे तो और भी क्वालिफिकेशन को एक्स्ट्रा रखे हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ पे प्रोसेस विद आगे बढ़ना है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना। आप देखिए यहाँ पे आपको जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स फाइल अपलोड करनी है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट्स फाइल में क्या अपलोड करनी है, तो बोला गया है कि डॉक्यूमेंट्स फाइल में आपको जो है कॉम्बिनेशन करके अपलोड करनी है, क्या क्या, तो 10वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं का सर्टिफिकेट और यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब जो तीन चीज आपको यहाँ पे अपलोड करनी है एक साथ, ठीक है ना। जो कि फाइल साइज यहाँ पे देख सकते हैं 2 MB से ज्यादा नहीं, उसे पीडीएफ में होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, गूगल में जाएंगे, ऑनलाइन पीडीएफ कन्वर्टर यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है कई सारे वेबसाइट आएंगे, कोई भी आप ओपन करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे आप फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट को चूज कर लेंगे, उसके बाद से इंटर का, उसके बाद से डोमिसाइल सर्टिफिकेट और यहाँ पे कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो जो फाइल तीनों एक साथ मर्ज होके जो है पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसी को क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट्स वाले फाइल वाले सेक्शन में जो है आपको यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। तो आप यहाँ पे बारी बारी से क्या करेंगे, चूज करके यहाँ पे अपलोड फोटोग्राफ पे क्लिक करेंगे तो ये अपलोड हो जाएगा। इस तरह से आप क्या करेंगे, बारी बारी से अपलोड करके उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस टू एजुकेशनल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे डिटेल्स को अपलोड कर लिया, अब यहाँ करते हैं प्रोसेस टू एजुकेशनल डिटेल्स पे क्लिक। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए और आपको जानकारी पूछी गई है, ये आपको होना चाहिए, मस्ट यहाँ पे होनी चाहिए। देखिए बोला गया कि पंजाबी पास्ट होना चाहिए 10वीं लेवल या इक्विवेलेंट में, तो आपको यहाँ पे पंजाबी जो है पढ़ा लिखा लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि पंजाब का जो है नौकरी है, पंजाब में आपको रहकर नौकरी करना है तो पंजाबी लैंग्वेज आपको 10वीं तक पढ़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे यस होना चाहिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है डू यू पुश द रिक्विजिट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपको यहाँ पे यस कर देनी है।
अब यहाँ पे आपको जो है प्रोसेस टू, यहाँ पे देखिए रिव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रिव्यू का ऑप्शन आएगा। आप क्या करेंगे, बारी बारी से देखिए इस तरह से क्लिक कर करके आप चेक कर लेंगे जो भी आपने जानकारी फिल किया है सब चीज सही है कि नहीं है। इस तरह से नेक्स्ट कर करके आप क्या करेंगे, एक बार मिला लेंगे सारी जानकारी कि जो भी आपने जानकारी फिल किया है सब चीज सही है कि नहीं है। अगर कोई मिस्टेक लग रहा है तो आप उसे सुधार लेंगे, ठीक है ना। अन्यथा आप यहाँ पे प्रोसेस करेंगे और उसके बाद इसको एग्री करेंगे और टिक करने के बाद से आपको रिव्यू योर अंडरटेकिंग पे क्लिक करेंगे, आपको अगेन ओके करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद से आपको प्रोसेस टू सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, अगेन आपको यहाँ पे ओके करना है। जिसे आप इतना कर देंगे तो देखिए बोला गया है कि योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वार्डन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। आपका जो है फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर शो कर रहा है। आपको बोला जा रहा है कि आप जैसे नोट कर लेंगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और बोला जा रहा है जो भी आपका एप्लीकेशन फी है 250 है तो 250 यहाँ दिखाएगा, 1000 रुपए है तो 1000 रुपए दिखाएगा, 200 है तो 200 दिखाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो भी एप्लीकेशन फी देना होगा वो जो है थर्ड डे आफ्टर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन, मतलब जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करेंगे उसके तीसरे दिन जो है आप एप्लीकेशन फी को जमा करेंगे, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फी कैसे जमा करनी है इसको बताता हूँ। तो एप्लीकेशन फी जमा करने के लिए फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए आप 11 तारीख को फॉर्म सबमिट किए तो आप जो है 14 तारीख को जो है एप्लीकेशन फी जमा करेंगे, और जब जमा कर देंगे एप्लीकेशन फी उसके बाद से फ्रेंड्स आपको जो है दोबारा से लॉग इन करके जो है आपको जो है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके अपने पास सुरक्षित रख लेनी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको फॉर्म को फिल करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो है 3 स्टेप में फॉर्म फिल होगा। पहला स्टेप आप आवेदन करेंगे, तीसरा दिन पेमेंट करेंगे, उसके बाद से लॉग इन करके आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। तो ये 3 प्रोसेस यहाँ पे है। और लॉग इन करने के लिए यहाँ पे आप जाएंगे dshelpingforever.com पे, तो यहाँ पे लॉग इन का आपको जो है लिंक भी मिल जाएगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे एप्लीकेशन नंबर पूछा जाएगा, पासवर्ड आपके मेल पे भेजा गया होगा, उसको यहाँ पे डालेंगे, लॉग इन करेंगे तो आप लॉग इन हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको मान लीजिए पासवर्ड भूल गए हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, फॉरगेट एप्लीकेशन पासवर्ड फॉर्म पे, तो आपके मेल पे जो है दोबारा से भेजा जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको जो है आवेदन करना है। ज्यादा जानकारी के फ्रेंड्स आप जो नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें एक बार, पूरी जानकारी यहाँ से ले लें, उसके बाद से यहाँ पे फॉर्म को फिल करें। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीएस हेल्पिंग फॉरएवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।